रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोत्रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ पर ये आरोप लगाने वाले उनके एक्स पार्टनर और वकील जय अनंत देहाद्रई ने उनके खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट में वकील जय अनंत देहाद्रई ने महुआ मोत्रिया पर ट्रेस पासिंग यानी उनके घर में जबरन घुसने और स्टाफ को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले देहाद्रई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी जान का खतरा बताया था। वकील जय अनंत देहाद्रई ने मंगलवार को हौज खास पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को चिट्ठी लिखी है। इसमें देहाद्रई ने आरोप लगाया कि कमेटी के सामने पेश होने के बाद महुआ मोत्रिया 5 और 6 नवम्बर को बिना सूचना दिए उनके घर आ गई। मुझे डर है कि मोत्रिया मेरे कुत्ते हेनरी के बहाने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती हैं। देहाद्रई कथित तौर पर तृणमूल सांसद महुआ मोत्रिया के साथ लिव इन रिलेशन में थे। दोनों के अलग होने के बाद उनके बीच के रिश्ते कथित तौर पर अच्छे नहीं रहे। मोत्रिया और देहाद्रई के बीच मनमुटाव का कारण उनका पालतू कुत्ता हेनरी बताया जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर हेनरी को चोरी करने का आरोप लगाया। मोत्रिया और देहाद्रई हेनरी की कस्टडी के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। फिलहाल ये कुत्ता मोत्रिया के पास है। देहाद्रई ने हौज खास पुलिस स्टेशन के एसएचओ को चिट्ठी लिखा, मैंने पहले 19 अक्टूबर 2023 को और फिर 21 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन धोखाधड़ी और फर्जी शिकायतों के बारे में सूचित किया था जो मोत्रिया ने मुझ पर दबाव बनाने मजबूर करने के मकसद से लगाई थी। मैंने पुलिस कमिश्नर को मेरी जान का खतरा के बारे में भी बताया। वकील जय अनंत ने सीबीआई और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बीते दिनों चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि तृणमूल सांसद महुआ मोत्रिया ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। इन शिकायतों की वजह से मोत्रिया के खिलाफ पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी ने जांच की है, लेकिन यहाँ पर जांच पूरी होने से पहले ही एक नई शिकायत जो है मोत्रिया के खिलाफ हो गई। और यहाँ पर देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले टीएमसी इन्हीं आरोप की वजह से कमजोर पड़ती हुई रहेगी। हालांकि देखा जाए तो टीएमसी के कई सारे नेता इस पूरे विवाद से दूर हैं।